बुद्री के लाल और बिहार के गौरव पुरुष से संबोधित स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का जन्म 21 सितंबर 1914 को पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड अंतर्गत बैरगाछी सबूतर ग्राम में एक अति ही निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता धूसर पासवान दरभंगा महाराज के काजा कोठी कचहरी के मकजूरी सिपाही का काम करते थे। शास्त्री जी बचपन से ही बड़े संस्कारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के घास फूस से निर्मित प्राथमिक विद्यालय में हुई। पढ़ने लिखने की प्रबल इच्छा तथा इनकी करिश्माई मेघा शक्ति को परखते हुए स्थानीय नेता श्री राम मोहन चौधरी ने इनका नामांकन मध्य विद्यालय काझा में करवा दिया, जहां इन्होंने मिडिल क्लास की शिक्षा प्राप्त की। इसी समय गांधी की आंधी चली और ये उसमें सम्मिलित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। अपने विद्रोही प्रकृति एवं उत्कट देशभक्ति के कारण 1930 ईस्वी के बीच दो बार सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। इसी तरह सरकारी विद्यालय से इनका नाता टूट सा गया, लेकिन इस जिला के तत्कालीन सर्वोदय नेता एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी ने इनके अंदर की प्रतिभा की पहचान कर ली थी। इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें सिर्फ प्रेरित नहीं किया बल्कि गांधी विद्यालय राहटा में इनका नामांकन भी करवा दिया। आगे की पढ़ाई के लिए वो पटना चले गए और सदाकत आश्रम स्थित विहार विद्यापीठ में अपना नामांकन करवा लिया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद सदाकत आश्रम छोड़कर काशी विद्यापीठ वाराणसी चले गए और वहां उन्होंने 1940 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली। अध्ययन मनन के साथ बचपन से ही शास्त्री जी में कला, संगीत और अभिनय के प्रति गहरा अनुराग था। लोक मंचों पर अपना अभिनय और स्वांग देखकर दर्शक प्रशंसा करते नहीं थकते थे। रोजी रोटी के लिए वो किशोर अवस्था में ही कलकत्ता चले गए, किंतु वैद्यनाथ बाबू के आग्रह पर वो पूर्णिया वापस लौट आए। वैद्यनाथ बाबू के साथ मिलकर गांव-गांव में जाकर खादी का वस्त्र भेजा करते थे और उसी बहाने लोगों में आजादी के आंदोलन हेतु जागरूकता फैलाते। इसी तरह शास्त्री जी छात्र जीवन से ही अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सक्रिय हो गए थे। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का राजनीतिक जीवन 1939 से लेकर 1941 तक बिहार के पूर्णिया जिला परिषद के सदस्य रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जुलाई 1945 तक उन्हें नजरबंद भी रखा गया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में 1947 में संसदीय सचिव बनाए गए और उक्त पद पर 1951 तक रहे। 1969 से लेकर 1972 तक दो बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। 1979 से दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। जनता दल की सरकार ने उन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया। उनके बाद कैंसर से पीड़ित होकर 10 सितंबर 1984 को वो इस दुनिया से चले गए। इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार का गौरव भोला पासवान शास्त्री का जीवन हम आने वाली पीढ़ी के युवाओं को इनसे जोड़ना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और चाहते हैं कि हम इस तरह का वीडियो और भी बनावें तो आप हमारा वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।